तुम्हारा फर्श गंदा हो गया। हाँ, किचन घर के अंदर आ गया। सिद्धार्थ बेटा, हमें मालूम पड़ा है कि कुसुम ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। हमने तो आपको पहले ही समझाया था। एनीवे, अभी भी इतनी देर नहीं हुई। हमारे साथ घर वापस चले चलो। देखो, कुसुम और उसके साथ बिताए हुए हर पल को एक बुरा सपना समझकर बस भूल जा। अब कुसुम का तुम्हारी जिंदगी में कोई दखल, कोई इंतजार नहीं होना चाहिए। मतलब कैसे नहीं होगा? कुसुम का मेरी जिंदगी में कोई दखल नहीं होगा? जिससे मैं प्यार करता हूँ उसका मेरी जिंदगी में कोई दखल नहीं होगा? अगर मेरी जिंदगी में कुसुम नहीं है तो मेरी जिंदगी में है क्या? कुछ भी नहीं। और ये सब आप दोनों की वजह से। आप दोनों ने मेरे दिलो दिमाग में कुसुम के खिलाफ इतना शक का जहर भर दिया। ये शक नहीं, एक सच है। बस मैंने उस रिश्ते पर शक किया है जिस रिश्ते की बुनियाद विश्वास थी। अरे आप दोनों तो शुरू से ही नहीं चाहती थी कि मैं और कुसुम एक साथ रहे। मगर कितनी गलत थी आपकी ये घिनौनी चाहत, कभी पूरी नहीं हो सकती। इस बात को आप समझ लीजिए। इतना सब कुछ होने के बाद भी पागलों की तरह कुसुम की माला फेर रहे हैं। देखो सिद्धार्थ, अब हम तुम्हें इस हालत में नहीं छोड़ सकते। हम तुम्हें यहां से लेके चलेंगे। चलो मेरे साथ। हाँ सर, प्लीज। देखा आपने कुसुम यहां भी हर जगह। ये सब सिर्फ तुम्हारा भ्रम है। मेरे इस एहसास को निकालना सिर्फ आपका भ्रम है। एक बात याद रखिए, मुझ में यह एहसास तब तक रहेगा जब तक मुझ में जान है। आप मेरी जान को मुझसे कभी अलग नहीं कर सकती, कभी नहीं। अब आप लोग जा सकते हैं। सोनाली, खाना तैयार हुआ कि नहीं? जल्दी करो बेटा। अचानक? हाँ, आपसे मिलने का बहुत मन कर रहा था इसलिए मैं चली आई। अब आई हो ना तो एक दो दिन रहना, सिद्धार्थ का बहाना बनाकर चली मत जाना। नहीं आई, अब मैं नहीं जाऊंगी। और मैं तुझे जाने भी नहीं दूंगी। सिद्धार्थ तुझे लेने आएगा ना तो भी नहीं भेजूंगी। वो नहीं आएंगे। आई क्यों नहीं आएगा? अरे वो इतना अच्छा है ना, जरूर आएगा। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? हाँ कुसुम, तुम कुछ तो बता बेटा, बताओ तो क्या हुआ, तुम रो क्यों रही है? सोनाली पानी लेकर आ। बैठो तुम, बैठो। क्या हुआ बेटा, तुम इस तरह अचानक आ गई, बोलो तो। कुसुम हमेशा इस रिश्ते से डरती थी। उसे लगता था कि उसकी पहली शादी नहीं चली तो शायद कहीं ये दूसरी शादी भी। लेकिन सिद्धार्थ, जब मैं तुमसे मिली तब मैंने तुम्हारी आंखों में कुसुम के लिए सच्चा प्यार देखा। मुझे लगा कि वो तुम ही हो जो कुसुम को हमेशा खुश रख सकते हो। और सिद्धार्थ, तुमने मुझसे ये वादा भी किया था ना? लेकिन
अब तुम्हारे वादे के साथ साथ मेरा भरोसा भी टूट गया है। भाई मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई, पर आई मुझे एक मौका तो दीजिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि यकीन? आप किस बात का यकीन दिला रहे हो सिद्धार्थ? तुमने मेरे विश्वास को चकनाचूर कर दिया, तुमने मेरी कुसुम पर शक किया है, उस औरत पर शक किया है जिसने तुम्हारे हर सुख दुख में साथ दिया है। तुम कुसुम के प्यार और समर्पण पर विश्वास नहीं कर पाए और चले आए मुझे यकीन दिलाने के लिए। मैंने सोचा मेरी कुसुम के सारे सपने सारे अरमान जो पहली शादी में पूरे नहीं हो पाए उन्हें तुम पूरा करोगे, लेकिन तुमने कुछ भी नहीं किया सीता, कुछ भी नहीं किया। आई प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे कुसुम से एक बार मिलने दीजिए, मैं उससे माफी मांगूंगा। अब किसी माफी की गुंजाइश ही नहीं रही सिद्धि, तुम कुसुम से मिलना चाहते हो लेकिन कुसुम तुमसे मिलना नहीं चाहती, और मैं भी नहीं चाहती सिद्धि कि कुसुम तुमसे मिले। चले जाओ तुम यहां से। प्लीज एक बार मुझे कुसुम से मिलना। बस सिद्धि बस, क्या करें, झेलना पड़ेगा। अच्छा लिसन, आई विल कॉल यू लेटर, बाय बाय। अरे रे बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम्हारी ट्रिप कैसी थी? एक्चुअली मैंने सवाल ही गलत पूछा, मुझे तो ये पूछना चाहिए था कि तुम्हारी हनीमून की ट्रिप कैसी थी। ऐसे क्या देख रहे हो? अबे तुम ही सोचो, मिस्टर अभय कपूर बिजनेस ट्रिप के लिए पुणे जाते हैं, फिर कुसुम जो मिस्टर अभय कपूर की एक्स वाइफ है वो भी पुणे जाती है बिजनेस ट्रिप के लिए, दोनों पुणे ही जाते हैं, ये कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस नहीं हो गया अभय? और फिर वहां क्या क्या होता है? Shut up. Just shut up. ऐसा भेद और घटिया ख्याल सिर्फ तुम्हारे दिमाग में ही आ सकता था। जैसा होता है वो पूरी दुनिया को अपनी तरह ही समझता है। और एक बात का ध्यान रखना, मुझ पे ये सारे लालच लगाते, ये सारी बकवास करते, तुम राजीव और अपने इलिसिट रिलेशनशिप पे पर्दा नहीं डाल सकोगे। हेलो हेलो अभय, मैं कोई बकवास नहीं कर रही हूँ और ना ही अपनी सोच तुम पर लाद रही हूँ, जो सच है मैं तो सिर्फ वही बयान कर रही हूँ। देखो मेरे और राजीव के रिश्ते की जहां तक बात है वो तो दुनिया जानती है, मैंने कभी कुछ नहीं छुपाया। तुम्हारी तरह जो अपनी माँ का अपने परिवार का विश्वास तोड़कर ये सब करता है, और तुम तो तुम मैडम कुसुम तुमसे दो कदम आगे है, दुनिया के सामने तो सती सावित्री बनकर फिरती है, प्यार और विश्वास की बातें, और मेरे पीठ पीछे मेरे ही पति के साथ कुल छर्रे उड़ाए जा रहे हैं। How dare you? सुन रही हूँ माँ। बस पाशु अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ आए, हमारे अलावा उसका है कौन? और तू माँ, मैं तो मुझे कुछ नहीं सुना,
तुम ताश को अपने साथ क्यों नहीं लेके जाते? तुम जहाँ जाओ उसे साथ में लेके जाओ। क्या? अभय, अब तुम आज भी कह रही हो, प्लीज मान जाओ ना। मानेगा कैसे नहीं? देखो अभय, तुम जहाँ जाओगे ताशु तुम्हारे साथ जाएगी, ये मेरा फैसला है, समझे? अभय। हाँ? हाँ माँ, अब जब भी बाहर जाऊंगा तुम्हारी बहू को साथ लेके जरूर जाऊंगा। अब तो खुश हो ना? खुश हो। थैंक यू मम्मी जी। अगली बार ऐसा करूंगी, कोई गारंटी नहीं, सोच लो। कुसुम, तुम चिंता मत करो बेटा, मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। चलो बेटा खाना खा लो। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, की सबसे बड़ी भूल, तुम्हारे साथ शादी कर। तो तुमने मेरे साथ ऐसा किया, मैं तुम्हें वो अपनापन नहीं दे पाया जो तुम्हें कहीं और से मिला। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती, सबसे बड़ी भूल, तुम्हारे साथ शादी कर। बेरहम बन गया मैंने, ये क्या किया उसका दिल तोड़ कर, दर्द उसको बन गया मैंने, ये क्या किया, मैंने की है खता, मुझको मिलेगी सजा, मैंने किया है सितम तुझ पे कुसुम। क्या हुआ? थैंक्स फॉर कमिंग अप। तो मेरे एक फोन करने पे आ गए, वेरी ग्रेटफुल। अच्छा ये बताओ कि कुसुम ने क्या कहा? क्या कहती वो? अरे मुझसे तो मिली भी नहीं। क्या? अगर मेरे पास कौन सा हक है उसे मिलने? मैंने तो अपने सारे हक खो दिए।
पर मैंने मगर एक चीज रियलाइज की, कुसुम के बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं, मेरी जिंदगी का कोई मतलब नहीं। यार कम ऑन, कंट्रोल योरसेल्फ यार, देखो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ तुम कुसुम के बगैर नहीं जी सकती? कुसुम तुम्हारे बिना एक पल नहीं जी पाएगी। से कुछ बात करने आया। देखो तुम्हें क्या लगता है अभय? अब भी हमारे बीच किसी बात की गुंजाइश है? कुसुम कम ऑन, ये एक छोटी सी गलतफहमी है। गलतफहमी? अभय तुम शक को गलतफहमी का नाम दे रहे हो? सिद्धार्थ ने मुझ पर शक किया है, शक मेरे चरित्र पर इतना बड़ा लांछन लगाया है। कुसुम प्लीज प्लीज जरा उसे भी तो समझने की कोशिश करो। सिद्ध ने जिंदगी में बहुत धोखे खाए और ये बात तुमसे ज्यादा और कौन जानता है? उसकी वो दोनों माओं ने उसके साथ कितना बड़ा विश्वासघात किया है। जरा सोचो उस हादसे ने उसके जहन पर कितना गहरा असर छोड़ा होगा। और कुसुम वो सब कुछ हो जाने के बाद इस पूरी दुनिया में एक तुम ही तो थी जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करता था, डिपेंड करता था। Loves you so much. तुम्हारे प्रति उसका ये प्यार ही उसकी ईर्ष्या का कारण है। और जब उसकी ये जेलसी अपनी हदें पार कर गई तो उसके मन में हमें लेके ये स्टूपिड सा शक बैठ गया। लेकिन कुसुम उसे गलत मत समझो, पर वो तुमसे बहुत प्यार करता है। मैं नहीं मानती अभय। अगर वो सच में मुझसे प्यार करते ना एक बार मुझसे मिलने तो जरूर आते। अरे वो तुमसे मिलने आया था, वो कल रात को ही तुमसे मिलने आया था। लेकिन और तो और वो तुमसे मिलने अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रहा है। He's waiting for you outside. पगली